वहीं हरदोई में एसओजी और कोतवाली देहात पुलिस टीम ने जहर खुरानी करके टप्पेबाजी, चोरी और हत्या करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मरने वाले युवक के कागजात, चोरी की 3 ई-रिक्शा, ई-रिक्शा के पार्ट्स, काटने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बताते चले, बीती 15 फरवरी को लाहापुरवा थाना हरियावा निवासी अरुण कुमार ने भाई बलराम वर्मा की हत्या की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई थी, जिसका खुलासा हरदोई पुलिस द्वारा किया गया। आइए देखें ये रिपोर्ट। किस मामले में लोगों को अरेस्ट किया गया और क्या इनसे पूछताछ के दौरान निष्कर्ष निकाला है पुलिस ने? इसी महीने की 15 तारीख को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक शव मिला था, जिसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि वह लखनऊ में दुबग्गा से एक गाड़ी में बैठा था। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज से पहचान की गई और जनपदीय पुलिस द्वारा खोजते खोजते गाड़ी मिल गई। उसके साथ उसमें जो एक व्यक्ति जो शहर के रहने वाला है, राम निवास, वो मिल गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो एक जहर खुरान गैंग का सदस्य है। इनके द्वारा ई रिक्शा में कभी सवारी बन करके उनसे टप्पेबाजी करते थे, जहरीला पदार्थ खिला करके। इसी तरह से इस वैगन आर में भी सवारियां बैठा करके उनको बेहोश करके भी इनके द्वारा टप्पेबाजी की जाती थी और चोरी की जाती थी। ये व्यक्ति जो मृत पाया गया था, चूँकि इसको ज़्यादा पावर की दवा दी गई, इसको होश नहीं आने पर इनके द्वारा उसको डर के मारे ईंट से मार दिया गया था, जो कि थाना क्षेत्र में मिला था। इनके दो और गैंग मेंबर फिर पूछताछ बाद अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इनसे ई रिक्शा खरीदता था। इनके पास से कई ई रिक्शों के पार्ट्स, बैटरियाँ, हत्या में प्रयोग किया गया ईंट, ये सब बरामद हुए हैं। इस पर्टिकुलर मर्डर में एक इनका साथी और है, जिसकी तलाश पुलिस को है। साथ ही साथ जो आदमी अन्य इनके जो ई रिक्शा चुराने के काम करते थे, उनको भी पकड़ा जाएगा।